भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को लेकर लगातार तमाम खबरें सामने आती रहती हैं और दोनों की चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक वक्त ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और बाद में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद से उर्वशी रौतेला लगातार कुछ न कुछ ऐसा करती रहती हैं जिससे कि उनका नाम ऋषभ पंत से जुड़ जाता है। अभी हाल ही में ऋषभ पंत एक रोड एक्सीडेंट में भीषण तरीके से चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज पहले देहरादून में हुआ और फिर मुंबई में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे भी जब ऋषभ पंत घायल हुए तो उर्वशी रौतेला ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और ईश्वर से प्रार्थना की थी। हालांकि उन्होंने ऋषभ पंत का नाम नहीं लिखा था। वही उर्वशी की मां मीरा रौतेला ने ऋषभ का बकायदा नाम लेकर उनके स्वस्थ होने की दुआ मांगी थी और पंत की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ, आपका स्वस्थ होकर उत्तराखंड का नाम रोशन करना दूसरी तरफ, आप सभी लोग भी प्रार्थना करें। तो कुछ इस तरह से मां बेटी ने ऋषभ पंत के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की थी। वही अब उर्वशी के साथ एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल उर्वशी रौतेला हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित फिल्म वॉल्टेयर वीरैया की मेगा मास पार्टी में पहुंची थी। तभी उर्वशी जैसे ही भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची, लोग उन्हें देखते ही ऋषभ पंत का नाम चिल्लाने लगे, जिसके बाद उर्वशी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान दिखी। हालांकि भीड़ को नजरअंदाज करते हुए उर्वशी ने अपना भाषण जारी रखा और सिचुएशन को हैंडल किया। इसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम का एक वीडियो क्लिप अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें लोग उर्वशी को देखते ही पंत का नाम चिल्लाते सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उर्वशी ने लिखा, दिस लव इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, यानी यही प्यार है जो मुझे आगे बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उर्वशी और पंत के नाम की चर्चाएं अभी भी चल रही, जबकि दोनों के बीच अब रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ऋषभ पंत का लगातार इलाज चल रहा है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अभी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।